हमने प्रोमो सॉन्ग देखा हुआ था। सच में इट्स नॉट फेयर। दोनों को बाजू बाजू खड़ा किया है डायरेक्टर ने, कैसे यार, किसको लेके। बट दोनों ब्यूटीफुल लग रही हैं, दोनों हॉट लग रही हैं। और आई डोंट नो, मैंने लास्ट टाइम शायद मेंशन किया था, जब अच्छा जो प्रोमो सॉन्ग मैंने देखा था ना, रिएक्ट किया था उस पर, तो मैंने मेंशन किया था कि तमन्ना का जो कॉस्ट्यूम है ना, थोड़ा उनके कलर के हिसाब से उभर के नहीं आ रहा है। लाइक इट्स नॉट शोइंग द डिटेल्स ऑन द कॉस्ट्यूम्स। मुझे वही थोड़ा लास्ट टाइम लगा था कि उनका कॉस्ट्यूम थोड़ा ब्राइट कलर का होता जैसे राशि का है, बहुत अच्छा होता। बट थ्रू आउट द सॉन्ग आई डोंट नो, बट मैंने जब प्रोमो सॉन्ग देखा था, एक दो कॉस्ट्यूम्स देखे थे, तो लाइक वो कम्प्लीटली उनके स्किन कलर को मिक्सअप हो रहे थे, तो डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहे थे। आई डोंट नो इसमें कितने कॉस्ट्यूम चेंजेस हैं, बट लेट्स सी। बट दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, एंड आई विश कि पूरा गाना ऐसा ना हो, दोनों दोनों को बाजू खड़ा ना किया जाए तो ही बेटर है, क्योंकि अगर हम किसी को देखना चाहते हैं, किसको देखें यार, इट्स नॉट फेयर। बेली डांसिंग दोनों को बहुत अच्छी तरह से आता है यार। सुंदर सी डायरेक्टर। सच में जब मैंने वीडियो शुरू किया था, सेटअप किया था, तो ठंड लग रही थी। लाइक वेदर थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा बारिश की तरह वेदर था, तो शायद मुझे लगा ठंड बहुत लगेगी, तो मैंने जैकेट पहन लिया है। बट आई डोंट नो, आज पूरे वीडियो इतने हॉट है कि मुझे गर्मी हो रही है। आई थिंक यू कैन सी माय फेस ब्लश। अच्छा था यार, हॉट था, सेक्सी था। बेली डांस दोनों बहुत 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 अच्छी तरह से करी थी। आई नेवर न्यू कि राशि खन्ना भी बेली डांस कर सकती है, क्योंकि मैंने जितने एक दो गाने देखे हैं उनके, बट उसमें उस तरह के स्टेप्स कहीं देखे नहीं है मैंने। बट आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड बेली डांसर।
तमन्ना को तो हम जानते ही हैं, हमने देखा हुआ है, लाइक द वे शी मूव्स. दोनों को जैसे मैंने कहा था बाजू बाजू में रख के, यू नो, कोरियोग्राफर ने जिस तरह से शूट किया है, कोरियोग्राफी किया है, थोड़ी गलती करती स्टार्टिंग में. बाद में ठीक था क्योंकि वो स्टेप सेम थे, बट बाद में थोड़ा अलग अलग स्क्रीन्स में भी उनको दिखाया गया है, तो वो प्लस पॉइंट है. बहुत अच्छी तरह से, लाइक वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर हॉट गर्ल, सेक्सी गर्ल. तो उनके स्टेप्स बहुत अच्छे थे यार. एंड मैं अभी भी वही पॉइंट पे वही स्टैंड लेती हूँ कि तमन्ना के कॉस्ट्यूम थोड़े ब्राइट कलर के होने चाहिए थे, क्योंकि वो जो लाइट स्काई ब्लू कलर का कुछ पहना था उन्होंने, और येल्लो और वो कुछ क्रीम कलर का था, वो इतनी फेयर हैं कि क्रीम कलर का, स्किन कलर टोन का कुछ भी हो, वो मिक्सअप हो जाता है. लाइक व्हाइट में भी थोड़ा कभी कभी लगता है कि व्हाइट भी उनको, यू नो, उनके स्किन कलर के ऊपर व्हाइट उनका स्किन कलर ही डोमिनेट कर देगा. ऐसा लगता है, उतनी मिल्की ब्यूटी कहते हैं उनको. तो आई डोंट नो हु डिज़ाइन द कॉस्ट्यूम्स, बट शी इज़ बेस्ट इन हर वर्क, बट थोड़ा ब्राइट कलर्स होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता. एनीवेज, बट थोड़े जब मैंने वो क्लोजअप शॉट्स लिए थे तो थोड़ा डिटेलिंग दिखा उनके जो भी कॉस्ट्यूम्स थे ना, तो डिटेलिंग दिखा, पर्ल्स के साथ कुछ स्टोन्स के साथ था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. बट थोड़ा ब्राइट कलर्स होता तो और भी ज़्यादा, यू नो, दूर से भी दिखता, अच्छा लगता. राशि के बहुत अच्छे थे कॉस्ट्यूम्स, और आई डोंट नो, वो कुछ स्टार्टिंग में जो पहना था उन्होंने, एक यू नो सी शेप का कुछ था उनके मिड सेक्शन के पास. मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट पहली बार देखा है मैंने उस तरह का कॉस्ट्यूम. सब अच्छे थे, और जो भी बैकग्राउंड आर्ट सेट डिज़ाइन था ना, आर्ट जिसने भी डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा था. लाइक ग्रीनरी थी उसमें, और पीछे जो भी स्टैचूज थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और बैकग्राउंड डांसर्स को आई एम सो सॉरी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट मैंने देखा नहीं, आई एम सो सॉरी. मैं सिर्फ इन दोनों को ही देख रही थी, और बीच में जो एक शॉट आया था वो डोर क्लोज करके, जब वो राशि इधर जब खुलता है तो यहाँ दिखती है, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, और थोड़ा ज़्यादा लंबा होता वो सीन, अच्छा लगता है, ऐसा हुआ, मुझे फील हुआ. बहुत अच्छा था, आई लाइक इट. और म्यूजिक अच्छा था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड लिरिक्स, बट थोड़े वर्ड्स जो इंग्लिश में थे वो सुन मैं, कॉफ़ी एटोमोम ऐसे कुछ बोल रहे थे, कॉफ़ी शॉप. मुझे समझ में नहीं आया कि किस बारे में है गाना, आई डोंट नो वॉट अचाचो ऑल्सो मीन, बट सीरियसली मैं गाना सुनने नहीं आई थी. एंड आई थिंक जिसने भी रिक्वेस्ट किया है और जो भी चाहते हैं कि मैं इससे रिएक्शन दूँ, वो भी नहीं चाहते हैं कि मैं गाना सुनूँ. वो सिर्फ डांस और लड़कियों को देखने के लिए कह रहे थे, और मैं भी शायद उसी के लिए आई हूँ, क्योंकि आई नो आई डजंट अंडरस्टैंड नो तमिल. तो आई न्यू एनी वेज आई एम नॉट गोना यू नो लिसन टू द लिरिक्स, आई एम जस्ट यू नो आई लिसन टू द म्यूजिक एंड द वे दे मूव देयर बॉडी टू द म्यूजिक. लड़के को देखने के लिए आए. एनी वेज अच्छा था, दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह से डांस किया है, जो भी कॉस्ट्यूम्स थे अच्छे थे. वॉट एल्स, आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेस्ट में, तब तक के लिए बाय.